Hello, my dear kiddies. How are you all today? Good Welcome to your social science video classes and we are doing our lesson of planet right and I have given you some introduction of our planet along with the new words that we are going to learn in this chapter. Some words you are familiar with it have already kahina kainape but सिंस दिट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर मैंने आपको वो न्यू वर्ड में लिखवाए हैं नाउ तो स्टार्टिंग विच इज इन द सेक्शन ऑफ योर जम्प स्टार्ट पेज नंबर एटी नाउ हैव एवर थॉट कि आपके हर चैप्टर में ये जम्प स्टार्ट का सेक्शन क्यों रहता है वाई बिकॉज आपने ये चीजें पहले भी सीखी है राइट टू रिकॉल वो सब चीजों को वापस याद करने के लिए जंप स्टार्ट का सेक्शन होता है ओके सो लेट्स डू इट शैल वी स्टार्ट चलो लेट्स स्टार्ट इट सो द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हियर इज आवर अर्थ वुड बी डैश एंड डैश विदाउट द सन सन के बिना क्या होगा हमारा अर्थ जो हमारा प्लानिट है धरती क्या हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा इज़ इंट अगर सन जब रात को सन नहीं होता है तो क्या होता है अंधेरा होता है राइट सो विदाउट सन क्या और क्या हो जाएगा हमें गर्मी नहीं मिलेगी पूरा पूरी दुनिया ठंडी हो जाएगी सो आवर अर्थ वुड बी कोल्ड दैट इज ठंडी एंड डार्क दैट इज अंधेरा So our earth would be cold and dark without the sun. Isn't it? Now B. B, may what do we have? We see dash twinkling at night. What do we see twinkling, twinkling at night? ko kya hota timtimata We see stars. Isn't it? Twinkle, twinkle little stars. So we see. स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट नाउ सी द डैश राइजेज इन द ईस्ट हमने ये डिटेक्शन में भी किया है इज इंटेड क्या निकलता है ईस्ट से सन राइट द सन राइजेज इन द ईस्ट डी द डैश इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई रात को सबसे ज्यादा चमकने वाला ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है स्काई में मून इजेंट इट वैसे अगर यहाँ पे नाइट स्काई नहीं होता और ओनली स्काई होता तो इट वुड बी सन एंड डू यू नो मून जो है वो अर्थ का सेटेलाइट है एंड मून की अपनी रोशनी नहीं है एंड वो रोशनी कहाँ से लाता है इट कैप्चर्स द लाइट ऑफ सन मून जो है सन का रोशनी कैप्चर करता है एंड वो चमकता है रात को राइट मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम सन एंड ऑल्सो द स्टार्स स्टार्स ऑल्सो गेट द लाइट फ्रॉम सन द सन इज अज बॉल ऑफ डैश क्या है ह्यूज बॉल ऑफ फायर जो सन है वो बड़ा सा आग का गोला है इट इज वेरी हॉट एंड इट्स फुल ऑफ फायर इन साइड अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना अबाउट सन सो वॉट कैन यू फाइंड यू कैन फाइंड इट्स इट्स अज बॉल ऑफ फायर Right, so Earth is a very beautiful place which is the only living planet. Just me. We find trees, air, water, land, birds, different insects, different living beings, right? And we should take care of our planet. So here what we are going to do, we are going to start our textbook, me. Sun, Moon and stars that is the solar system. पानी भी आया तो सारा जगह पानी भर रहे थे एंड वीडियो बना रहे हैं। तो साथ में पानी भी आया और वीडियोस बना रहे हैं if the sun the moon the stars and the planets together they make solar system and not only sun moon stars uh, there are galaxies there are black holes and so many things and do you know earth kaise how did earth come into existence or how did the universe started uh, it is said that it started with a big bang theory ek bar, बहुत जोर से बैंग करके एक ब्लास्ट हुआ जिससे सारे प्लैनेट्स सन मून सोलर सिस्टम गैलेक्सीज फॉर्म हुए यू कैन सी इट इन द गूगल आल्सो अगर आप गूगल पे सर्च आउट करोगे या तो फिर आप कभी साइंस सिटी जाओ प्लानिटोरियम जाओ तो यू कैन फाइंड इट आउट कि यूनिवर्स का और अर्थ का जन्म कैसे हुआ कैसे कैसे दुनिया बनी राइट सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग सो इफ एट ऑल द स्कूल आई विल ट्राई ट्राई टू टू शो इट इट यू यू बट इफ नॉट कैन आउट सेल्फ राइट चलो सो नाउ वी हैव एट प्लैनेट्स एन आवर सोलर सिस्टम प्रीवियसली वी हैड नाइन प्लैनेट्स वॉट आर दो मर्क which is the closest to the sun then we have venus which is made of gases we have earth we have mars then jupiter which is the biggest planet then we have saturn that is a planet with the ring then we have uranus and neptune tha we had one more ninth planet which is known as pluto joki hi chota and it was वेरी फार अवे फ्रॉम द सन तो इट वॉज द कोल्डेस्ट प्लानट क्योंकि वहाँ पे सन की रोशनी नहीं पहुँच पाती थी सो इट वॉज वेरी कोल्ड इट वॉज लाइक आइस एंड मोर ओवर साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया कि इट्स लाइक अ स्टार सो रैदर प्लूटो शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टार इन स्पाइट ऑफ कॉल्ड बींगल्ड एज अ प्लानिट सो so, प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया एंड नाइन एंड नाउ वी हैव एट प्लैनेट्स राइट सो इन सारे प्लैनेट्स में से द प्लैनेट दैट वी लीव इन इज अर्थ द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड आवर होम राइट सी अर्थ प्लैनेट प्लैनेट के अंदर वी हैव कंट्री Country, can there we have states? States, can there we have cities? Isn't it? See, I told you everything is linked with each other. Everything is related to each other, right? So we share our homes with plants and animals. So Earth is home for everybody: plants, animals, insects, uh, also those viruses and bacteria which we cannot see with our open eyes. राइट ओके सो फिशेज एवरीथिंग कॉक्रोचेज इट इज बीन कंसीडर्ड कि इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट रेदर पता है सबसे पहले जो जीव बने थे वो क्या थे वो कॉक्रोचेस थे सो कॉक्रोचेज एक ऐसे इंटरेस्टिंग स्पीसीज है Uh, जो अर्थ की स्टार्टिंग से है अभी तक बिकॉज उन लोगों में अडेप्ट करने की खुद को इन्वायरमेंट के साथ चेंज करने की उनमें जो क्षमता है जो काबिलियत है वो इट्स आउटस्टैंडिंग जो किसी के पास भी नहीं है सो इफ एट ऑल अर्थ फिनिशेस, ओनली कॉकरोचेस विल बी लेफ्ट टू टेल द स्टोरी कहानी बताने के लिए सिर्फ कॉकरोचेस ही रह जाएंगे बिकॉज कॉकरोचेस अपने आप को किसी भी कंडीशन में ढाल लेते हैं गर्मी ठंडा बारिश एनी थिंग यूसी आप कभी कॉक्रोच को पानी में डाल के देखो वो कभी डूबते नहीं है डूब के मरते नहीं है सो so, अगर तो अर्थ ए जैसे कि लोग मानते हैं कि अर्थ अर्थ का जब एंड आएगा तो पानी में डूब जाएगा सो so, कॉक्रोचेज तो पानी में डूबते नहीं है सो दे विल बी द ओनली लिविंग बींग अर्थ इज फॉर्म्ड अगेन जैसे कि पुराणों में लिखा है प्रलय आता है एंड अर्थ धरती की धरती को वापस बनाया जाता है वापस क्रिएट किया जाता है सो द ओनली लिविंग बींग लेफ्ट विल बी द कॉक्रोचेस राइट सो ओके नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक दैट इज सोलर सिस्टम बीच बीच में मजाक जस्ट किडिंग so we share our home with plants and animals it is round in shape and slightly flat at the top and at the bottom it looks like an orange orange hai. have you seen orange as a goal for full round Orange oranges flat at the top and flat at the bottom and it's shaped like this Isn't it? Something like this. So, orange is round but flat at the top and flat at the bottom. So, similar is the earth. Flat at the top and flat at the bottom. Right. So, the earth surface is covered with water and land and has air around it. So, earth kya hai? Earth ka jo surface hai? It is covered with? वाटर एंड लैंड पानी और धरती से कवर्ड है एंड उसमें क्या भरा हुआ है हवा इट्स फिल्ड विथ एयर मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वॉटर विच मेक्स इट अपियर ब्लू इन कलर बट मोस्टली क्या है अर्थ पे पानी है विच मेक्स इट ब्लू इन कलर जो कि उसको ब्लू कलर का दिखाता है सो दिस इज द रीजन वी कॉल अर्थ है ब्लू प्लेनेट हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं वाई बिकॉज Uh, अगर आप अंतरिक्ष में जाकर स्पेस uh, में जाकर अर्थ को देखोगे ना इट लुक्स ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ वॉटर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेसिस कवर्ड विथ वॉटर फिल्ड विथ वॉटर द प्रेजेंस ऑफ एयर वॉटर एंड लैंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ सो वॉट हैपन्स अर्थ पे एयर वाटर और लैंड के होने की वजह से यहां पर प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स जो है वो सरवाइव कर पाते हैं फॉर द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच सपोर्ट्स लाइट दिस मीन्स जो हमारी धरती है हमारा प्लेनेट है दिस इज द ओनली प्लान जहां पर लाइफ पॉसिबल है बिकॉज सपोर्ट्स लाइफ राइट ओके So what did we learn we learned about solar system we learned about planet we learned about our planet we learned about cockroaches <laughs> isn't it okay so here what are we going to do we are going to do the question and answers right so your homework will be writing up the question and answers what do you mean by the term solar system see the answer is here the sun the moon the stars and the planets together form the solar system so this is your answer number one you have to write the answer from here to practice karna hogakya answers kutsaliko because नेक्स्ट ईयर बड़े क्लास में जाओगे आप स्टैंडर्ड थ्री में चले जाओगे राइट right? सो so, आपको आंसर्स खुद से लिखने आने चाहिए कलर द क्लाउड्स दैट टेल यू द करेक्ट फैक्ट्स अबाउट अर्थ अर्थ के बारे में करेक्ट फैक्ट्स बताने वाले क्लाउड्स को हमें कलर करना है हैज लैंड वॉटर एंड एयर दिस इज राइट सो आई एम डूइंग इट विथ अ पेंसिल यू डू इट विथ अ क्रेऑन कलर से करना ब्लू येलो जिससे ब्लैक नजर आए लिखा हुआ ब्लू येलो और पिंक आई वुड से ब्लू क्योंकि इट्स अबाउट अर्थ सो अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट सो कलर द क्लाउड्स ब्लू नॉट सपोर्ट लाइफ नो इट्स लाइफ राइट हम सब इस पे रहते हैं ना सो दिस इट सपोर्ट्स लाइफ फ्लैट शेप नो अर्थ इज राउंड इन शेप ब्लू प्लेनेट yes it is a blue planet because it is filled with water now number three is what will happen if all the water on the earth disappear one day can we continue to live on earth give two reasons so the answer is we cannot live without water right no we cannot live on earth without water why because we require water for drinking and many other activities like cooking, washing clothes, bathing, right? Plants and animals will also die without water. So what will happen? If the earth water disappears one day, all the living beings will die. will die. जीव प्राणी मर जाएंगे गायब हो जाएंगे राइट सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सेंड यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स टिल देन टेक केयर